हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में, ठीक है, एस ए टू का मैथ का पेपर जो सीबीएसई बोर्ड का भी हुआ है 2018-19 एस ए वन और एस ए टू एस ए थ्री का। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर मेरा सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है, जो कि सेट वन में क्वेश्चन नंबर वन है। सेट वन में क्वेश्चन नंबर वन है, दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हू सेंटर इज अ 2-3 एंड बी पॉइंट इज अ 1-4। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, कोई सर्कल है मेरा, जैसे मेरा सर्कल हो गया, ये सेंटर है और ये इसका कौन है डायमीटर। सेंटर मान लो ओ है, ठीक है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3। पॉइंट ए, ए मालूम नहीं है बट बी पॉइंट दे रखा है मेरे को, बी पॉइंट दे रखा है 1 और 4। ए पॉइंट मिसिंग है, मान लो एक्स है और वाई है, जो ए पॉइंट है ना वो मेरे को निकालने हैं। ठीक है, ए पॉइंट को मान लिया मैंने एक्स और वाई, बी पॉइंट है मेरा 1 और 4, सेंटर जिसको बोलते हैं केंद्र, वो दे रखा है मेरे को 2-3। फ्रेंड देखा जाए तो ये जो मेरी लाइन होती है रेडियस होती है, और ये भी कौन होती है रेडियस, ठीक है, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। जितना मेरा ओ बी होगा उतना ही मेरा कौन होगा ओ ए होगा, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस सेंटर से हमेशा क्या बनाते हैं इक्वल। तो देखा जाए तो ए ओ जो पॉइंट है वो ए बी का कौन है मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ मध्य बिंदु है ए बी का। ठीक है, तो फ्रेंड ओ के लिए क्या लगेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू एंड डिवाइड बाई टू। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड मैं पूरे मेथड से कराता हूँ, लेकिन ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्टली भी सीधा सॉल्व कर सकते हो, कि जो बीच वाला मिड पॉइंट है कौन है, टू है, टू इक्वल होगा इन दोनों के सम के इक्वल, यानी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, फोर है सॉरी माइनस थ्री है इक्वल होगा, ये एक्स वन होगा ये एक्स टू होगा, सॉरी वाई वन और वाई टू अपॉन में टू, क्रॉस मल्टीप्लाई टू टू ज़ा फोर, प्लस का वन दूर एक्स का जाएगा माइनस का, यह आ गया मेरा थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री टू ज़ा सिक्स, प्लस का है उधर एक्स का जाएगा माइनस का, यह आ गया माइनस का टेन। तो यानी कि जो मेरा ए कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 3 और -10। ठीक है फ्रेंड, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेट थ्री का फोर और सेट वन का क्वेश्चन नंबर वन। तो आगे चलते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड अगला सवाल मेरा सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर फाइव है, सेट टू का यही क्वेश्चन फाइव है और सेट वन का क्वेश्चन नंबर टू है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड, बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि के रूट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो फ्रेंड इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, इसके लिए पहले हमें ए लिखना होगा, ए कितना होगा जो एक्स के साथ में होगा, बी होगा फोर, सी होगा के। ठीक है, जब रियल होते हैं तो फ्रेंड डी की वैल्यू क्या होगी मेरी, जीरो होगी, और डी का फॉर्मूला कितना होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी की जगह में क्या रख देना जीरो, बी यानी कि फोर, ए यानी कि वन और सी यानी कि के। फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर के माइनस का इधर एक्स का आ जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा डिवाइड में, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी फोर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फाइव। अब इसका फ्रेंड मेरे को क्वेश्चन में और पार्ट भी दे रखा है, वो भी करते हैं। तो लिख देता हूँ पहले सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर फाइव, सेट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव, सेट वन का क्वेश्चन नंबर टू, और ये और पार्ट है। ठीक है, तो क्या देखा फ्रेंड क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें के की वैल्यू बतानी है जिसके जो रूट है वो जो रूट है उसका एक कर दे दूसरा रूट रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x square minus 10x
प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अब इसके जो रूट है, लेट रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल, मैंने एक मूल मान लिया अल्फा, दूसरा बोला उसका रेसिप्रोकल है तो वन अपॉन में अल्फा, ये होगा। अब जो ए होगा वो कितना होगा, थ्री, बी होगा माइनस टेन, सी कितना होगा के, हमें तो के की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो फ्रेंड हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये होता है सी बाई ए, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणन। तो फ्रेंड इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बोला क्या है जीरोज का प्रोडक्ट, तो जीरोज कौन है, एक अल्फा, दूसरा वन अपॉन में अल्फा, सी कितना है के, ए कितना है थ्री, अल्फा से अल्फा कट गया वन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री वन जा थ्री, ये लो जी ये मेरी के की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फाइव। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, ये सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सेट टू का क्वेश्चन नंबर फोर है, सेट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री है ये, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 24 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड इसे सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा किसका, टेन का, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉट 90 माइनस में थीटा, ठीक है फ्रेंड, इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा मैं, यानी टेन को मैं इस फॉर्मेशन में लिख सकता हूँ, कॉट है कॉट लिख दिया, 90 है 90 लिख दिया, जो यहाँ पर एंगल होता है वही एंगल इसके साथ आता है, तो यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a cot a माइनस 24, cot से cot क्या हो गया कैंसिल, माइनस में a माइनस 24, ठीक है। 2a इधर आ जाएगा, किसका आ जाएगा प्लस का, माइनस का 24 इधर चला जाएगा, प्लस का हो गया, दोनों को प्लस किया 114 3a, ठीक है फ्रेंड। मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई 38 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक और पार्ट भी दे रखा मेरे को, तो फ्रेंड अब इसका और पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट थ्री का क्वेश्चन सिक्स, सेट वन का क्वेश्चन थ्री, सेट टू का क्वेश्चन फोर, जो कि मैं यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो फ्रेंड बेसिकली फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये मेरा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 90 में से 57 है, यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 90 में से 57 माइनस कर दूँ तो मेरा वही 33 आ जाएगा, और ये वाला मेरा एज इट इज रहेगा साइन 57। तो साइन 90 माइनस थीटा फ्रेंड होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 57, स्क्वेयर था तो स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। अगर फ्रेंड साइन और कॉस के एंगल सेम हो जाते हैं तो फॉर्मूला एक ये भी होता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी के साथ मेरा यहाँ आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएँ, और फ्रेंड इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।